हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 11 के आर्ट्स ग्रुप के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहे ताकि ये महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है जिससे शुरुआत होगा इस वीडियो का, लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं। इसके ऑप्शन सुनिए, हीगेल, हॉब्स, रूसो, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर है हॉब्स। 55 नंबर जो क्वेश्चन होगा, टू ट्रीटीज ऑफ ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन सुनिए, हॉब्स, लॉक, कार्ल मार्क्स या गार्डनर। तो इसका सही जो आंसर होगा लॉक। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है। मेकियावेली, कार्ल मार्क्स, ग्रीन या हॉब्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रीन। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी जो स्टेट वर्ड है इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। हीगेल, मेकियावेली, हॉब्स या रूसो। तो ये हमारे मेकियावेली आंसर हो जाएगा। भारत एक राष्ट्र है, यह है लेकिन यह एक राष्ट्र बन रहा है, यह किसका कथन है। व्योमेश चंद्र ठाकुर का, रविंद्रनाथ ठाकुर का या सुरेंद्रनाथ बनर्जी का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन था। 59 नंबर, राष्ट्र में अभिप्राय एक जाति, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, यह कथन किसका है। हेस का, प्रेडियर, फोडोर का, लीकॉक का या गिलक्रिस्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा लीकॉक। समानता का अर्थ है, यानी इक्वलिटी का मतलब क्या है। सभी को पूर्ण समानता या सबके लिए समान प्रतिदान या धांधेय वर्ग का ना होना, यानी। और डी नंबर, समान अधिकार और स्वतंत्रता, जिसका जो समानता का जो समानता है उसका जो सही अर्थ है वह है समान अधिकार और स्वतंत्रता, यानी इक्वल राइट और फ्रीडम। स्वतंत्रता का अर्थ है लिबर्टी। लिबर्टी का क्या अर्थ है, प्रतिबंधों का ना होना, प्राकृतिक स्वतंत्रता, सी नंबर उचित प्रतिबंधों वाली स्वतंत्रता या डी नंबर मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उचित प्रतिबंधों वाली स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल पास करने का अधिकार किसको है। एक संघीय सरकार को, राज्य सरकार को, सी नंबर बाह्य मामलों का मंत्रालय को या संघीय संसद को। तो संघीय संसद, यूनियन पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का निर्णय कब लिया गया था।
दिसंबर 2004 में, जनवरी 2005 में, 15 अगस्त 2003 को या 26 जनवरी 2002 को। तो इसका सही जो आंसर होगा वो दिसंबर 2004। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विदेशी के लिए जो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बनना चाहता है, भारत में निवास की अनिवार्य अवधि है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 12 महीना। तो 12 महीना, मतलब 12 महीने तक भारत में निवास उसका अनिवार्य अवधि है। 65 नंबर, नागरिकता की भूमि सिद्धांत किस देश में लागू है? भूटान, अमेरिका, श्रीलंका, उपयुक्त सभी। तो ये सिर्फ अमेरिका में है। 66 नंबर, भारतीय नागरिकता कानून किस वर्ष बनाया गया? 1955, 1956, 1950, 1952। तो 1955। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 32 से 34, अनुच्छेद 36 से 40, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 14। तो इसका सही जो आंसर है अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11। 68 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को दी जाती है, क्या दी जाती है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या वैश्विक नागरिकता या उपयुक्त सभी। तो एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक नागरिक, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन का मिलता है कि आप एक नागरिक हैं किसी भी क्षेत्र के। भारतीय नाग ए सॉरी 69 नंबर, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिटीजन्स आर देयर? 1, 2, 3, 4। तो आपको 2 तरह के नागरिक मिलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर या के एम मुंशी? इसके सही आंसर के एम मुंशी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कठोर संविधान है, आसानी से परिवर्तन नहीं होने वाला, बी नंबर लिखित संविधान या सी नंबर सर्वोच्च संविधान, डी नंबर अधिनियमित संविधान। इसका सही होगा आसानी से जो परिवर्तन नहीं होने वाले संविधान को ही कठोर संविधान माना गया है, जब चेंजे नहीं होगा तो कठोर होगा। अगला है 72 नंबर, किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? अमेरिका संविधान से, कनाडा संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लास्ट है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कनाडा का संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? पारूप समिति के, ख नंबर संघ की समितियों की शक्तियों की समिति या संघ संविधान की समिति या प्रांतीय संविधान समिति। तो इसका सही आंसर होगा पारूप समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। 74 नंबर, सन 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियायतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? 292, सिर्फ 92, 93 या 389? तो 93। एकात्मक संविधान हो सकता है, अलिखित, लचीला, लघु आकार वाला या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 के एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप था, संघीय था, एकात्मक या अर्ध संघनात्मक या और अर्ध एकरात्मक और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा एकात्मक या यूनिटरी।
निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है? फ्रांस में, जापान में, जर्मनी, कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। 78वां क्वेश्चन, भारतीय राज्य समूह के घटित राज्यों की संख्या है? 10, 20, 25, 28। तो हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय शासन में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा, संविधान द्वारा या बहुमत के निर्णय से राज्यों द्वारा? तो ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो हमारे संविधान के तहत हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। 80वां क्वेश्चन, संसदीय प्रजातंत्र में कैबिनेट इनमें से किसकी प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, राज्य प्रमुख के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, इनमें से कोई नहीं, तो संसद के प्रति। एक संघीय प्रणाली वाला देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोहरी नागरिकता। 82वां, भारत भारत का संविधान स्वतंत्रता के कितने अधिकार सुनिश्चित करता है? 3, 5, 6, 8। तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कानूनी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक था हॉब्स, लॉस्की, ग्रीन या बेंथम? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या है? 4, 6, 8, 10। इसका सही जो आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन, 85वां, भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जो हम लोग को मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसकी आखिर संख्या कितनी है? 6, 7, 4 या 10? तो संख्या हमारा 6 है। तेलुगु देशम पार्टी किस प्रांत में प्रमुख राजनीतिक दल है? अब नामी है तेलुगु, तो तमिलनाडु की, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये आपका हो जाएगा तेलुगु तमिलनाडु का। किसने कहा कि मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक जीव है, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल कहे तो एनिमल है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या विल्सन? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु ने। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है, जो राज्य है वह व्यक्ति से पहले है? अरस्तु ने, ग्रोटियस ने, ग्लूकॉन ने या लॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, 89वां, किसने कहा कि राजनीति का वृक्ष इतिहास के बिना जड़ विहीन है, जो इतिहास राजनीति के बिना फल विहीन है? गार्नर, गेटेल, फ्रीमैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रीमैन। 90वां क्वेश्चन, गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, धर्म, सरकार या संप्रभुता? तो इसका आंसर होगा धर्म। निम्न में से किसके अनुसार राज्य एक सर्वोच्च ढांचा है? 91वां क्वेश्चन है। हॉब्स के अनुसार, रूसो के अनुसार, मार्क्सवादी के अनुसार या लॉक? तो मार्क्सवादी। 92वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हॉब्स, कांट, लॉक या रूसो? तो हमारा हो जाएंगे कांट। 93वां, निम्न में से कौन सिद्धांत कहता है कि ईश्वर ने राज्य को बनाया एवं स्थापित किया? शक्ति सिद्धांत, देवी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत?
जाती है देवी सिद्धांत में, जिसमें राजा को ईश्वर का क्या है तो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ बताया जाता है। 94 नंबर, राष्ट्रीयता के निर्माण का आवश्यक कारक है समान भाषा, भौगोलिक निकटता, लोगों का भावना या धार्मिक एकता, तो लोगों का भावना। अगला क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर, किसी व्यक्ति को उस सरकार में रहने को कहना जो उसके अपने राष्ट्र की नहीं है, उसी प्रकार है जिस प्रकार एक औरत को उस व्यक्ति से शादी करने को कहा जाए जिससे वह घृणा करती है, यह किसके बारे में कहा गया है? यह ऑप्शन सुन लीजिए, यह कथन राष्ट्रीयता के विरोध में है, यह कथन अंतर्राष्ट्रीयता के विरोध में है, यह कथन सर्वनिर्णय के अधिकार के समर्थन में है, यह कथन ऊपर से किसी से संबंधित नहीं है। इसका सही होगा यह कथन स्वनिर्णय के अधिकार के समर्थन में है। स्वनिर्णय के अधिकार का अर्थ क्या है आखिर? 96 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक धर्म का अपना देश होना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र का अपना राज्य होना चाहिए, प्रत्येक भाषा का अपना राज्य होना चाहिए या प्रत्येक संस्कृति का अपना राज्य होना चाहिए? तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना राज्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेविस लोगों का अपना अस्तित्व लंबे समय तक बना रहा जबकि अपना भू भाग नहीं था, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सुनिए, निश्चित भू भाग राष्ट्र के लिए आवश्यक है, जेविस लोगों के पूर्वज एक नहीं थे, एक राष्ट्र का अस्तित्व तो बिना निश्चित भू भाग के हो सकता है, और डी नंबर, जेविस लोगों की भाषा एक नहीं थी। तो इसका सही जो आंसर है कि एक राष्ट्र का अस्तित्व बिना निश्चित भू भाग के हो सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयता का राजनीतिक शरीर है राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ, स्टेट यानी राज्य और लोग, तो इसका आंसर होगा राज्य। लास्ट क्वेश्चन आज का, उग्र राष्ट्रीयता का एक रूप है व्यक्तिवाद, समाजवाद, फासीवाद या अराजकतावाद, तो इसका सही आंसर होगा फासीवाद। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो या अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि उसके अनुरूप हम आपको जवाब दे सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।